Namaskar, good evening, bonsoir, sat sri akal. Now I have been the High Commissioner of India to Canada for more than 2.5 years. I have had the opportunity of attending Diwali celebrations from coast to coast, from Vancouver to Toronto. But let me tell you, this is the best and the biggest Diwali celebration I have ever attended. गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आई एम संदीप सिंह एंड यू आर वॉचिंग इन टू कैन व्लॉग। सो गाइज आज की जो वीडियो है वो है जैसे दिवाली फंक्शन जो कि कैपर्ट यूनिवर्सिटी में है, अभी उसको अटेंड करने में जा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड है। मैं मतलब कि आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे जैसे फंक्शन हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो CBU में जो फंक्शन हुआ था वो बहुत बढ़िया हुआ था। जैसे अराउंड आई थिंक CBU ने अराउंड $70,000 स्पेंड किए थे उसके पूरी अरेंजमेंट पे। सो ठीक है गाइज, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कि वो कैसा होएगा फंक्शन। ओके लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। वैसे आज 24th है यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे CBU में आज 24th को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जैसे जो हमारे इंडियन एम्बेसी के जो हाई कमिश्नर है वो यहाँ पे अभी आए हुए हैं आज, तो उनको टाइम यही फ्री था, तो इस करके उन्होंने मतलब अरेंजमेंट 24th की करी थी अब की बार। सो ठीक है, अभी मैं जाने लगा हूँ, अभी जैसे बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ, जैसे बस पास की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। सो ठीक है। सो गाइज जो यहाँ पे आज दिवाली जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है थर्सडे, तो मतलब वीकडे है, यहाँ पे कोई ऑफ भी नहीं हुआ है। सो जैसे आज मेरा मिड टर्म भी था, मिड टर्म दे के आके फिर उसके बाद अब हम दिवाली फंक्शन में जा रहा हूँ। जैसे अभी और भी फ्रेंड्स जो मेरे रूममेट्स थे वो भी साथ में, उन्होंने आना था मेरे साथ, बट अभी जैसे उनकी क्लासेज है आज, जैसे उनका मिड टर्म थे दो, तो वो मिड टर्म दे के वहीं से डायरेक्टली जाएगा अटेंड करने प्रोग्राम को। सो ठीक है, आपको दिखाते हैं आगे का कि कैसा होएगा यहाँ का प्रोग्राम। सो ठीक है। कर रहा जाए सिमरन और हरपाल आ जाए, मैं क्या थोड़ा इकट्ठा बनाते हैं ब्लॉगिंग, तो हरपाल आ गया है। सिमरन अभी थोड़ा सा बिजी था पीछे कॉलिंग में। सो हरपाल का आज था मिड टर्म, तो हरपाल से पूछते कैसा हुआ मिड टर्म आज उसका। दिवाली वाले दिन मिड टर्म था आज, बहुत माड़ी हुई। वैसे आज मिड टर्म मेरा भी था गाइस, मैं बताया था, तो मिड टर्म दो मिड टर्म थे उसके, दो मिड टर्म थे आज वो, दो मिड टर्म। आज दिवाली वाले दिन देखो हमारी जैसे ऑफ नहीं था यहाँ पे कुछ भी, हमारे मिड टर्म थे। अभी जैसे कल मेरी क्लासेस भी है, जैसे दिवाली प्रोग्राम अटेंड करने के बाद कल मेरी फिर सुबह क्लासेस है मॉर्निंग में। सो अभी बस हम वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट रह गए, 6 बजने में हम सोच रहे हैं अब एंट्री होएगी थोड़ी देर में। सो ठीक है, आपको आगे का दिखाते हैं कि कैसा होएगा यहाँ पर प्रोग्राम।
Bonsoir, Sat Sri Akal. Now I have been the High Commissioner of India to Canada for more than 2.5 years. I have had the opportunity of attending Diwali celebrations from coast to coast, from Vancouver to Toronto. But let me tell you, this is the best and the biggest Diwali celebration I have ever attended. And that is because I am at the biggest Indian university outside India. This is no longer Cape Breton University, it is the Indian Cape Breton University. But did it with such eloquence and such thoughtfulness. So when he says, India, Cape Breton University, we get him pretty clearly. Thank you, Your Excellency. So, ठीक है गाइस, अभी हम जैसे प्रोग्राम अटेंड करके घर पे आ गए थे, तो अभी जैसे प्रोग्राम मतलब ठीक था, मतलब बहुत बढ़िया किया था अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी ने जो की थी सब कुछ. बाकी जैसे अपने जो इंडियन एम्बेसी के जो हाई कमिश्नर है वो भी आए हुए थे यहाँ पे. इस कारण से जो हमारा ये प्रोग्राम था आज ये 24th को किया गया था, 24th of October इंस्टेड ऑफ 27th. सो बाकी ये ओवरऑल बहुत मतलब ठीक था इवेंट, बहुत बढ़िया था. और गाइस अब वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ा सा एक वेबसाइट रिकमेंड करना चाहूँगा, उसका नाम है alevelworld.net. जैसे वो वेबसाइट है, इट्स एक्चुअली वेरी गुड वेबसाइट, मतलब कि वो हेल्प करते हैं हमारी जैसे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और हिस्ट्री जैसे और ये सब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड हमें कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, हम उस पर जाके हम सर्च कर सकते हैं. और जैसे वो थोड़ा सा ट्यूटर भी हमें प्रोवाइड करते हैं. सो आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं उस वेबसाइट को. इट्स एक्चुअली अ गुड वेबसाइट. सो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच.